हेलो दोस्तों, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो सभी के साथ प्रॉब्लम आता है, ईयरफोन हाईजैक। ईयरफोन हाईजैक के पास से बहुत बार ख़राब हो जाते हैं या फिर कई बार ख़राब ही हो जाते हैं और बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हाईजैक के पास ईयरफोन ख़राब होने के बाद ईयरफोन बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसको आप किसी भी तरीके से बना नहीं सकते, क्योंकि हाईजैक से जब ईयरफोन ख़राब होती है तो उसको आप जितनी भी सोल्डिंग करें बट आपकी जो बाहर की जो परत रहती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद ख़राब होना को ख़राब ही होना है, वो बनने के कोई उस पर चांसेस नहीं है। और आपके ईयरफोन के माइक के पास से ख़राब हो जाए तो कई बार 30-20-30% रहता है कि आपका ईयरफोन बन सकता है, बट हाईजैक के पास से ख़राब होने के बाद आपका कभी ईयरफोन बन नहीं सकता। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप उसी ईयरफोन को रिन्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लगभग एक सस्ती ईयरफोन के प्राइस के बराबर, उस अच्छी ईयरफोन की साउंड को आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि आप एक सस्ते ईयरफोन को अच्छे ईयरफोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो ख़राब हुआ ईयरफोन है वो आपके पास रहना चाहिए। और ईयरफोन में आप को कई बार अच्छी क्वालिटी के साउंड इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उस स्पीकर जो रहती है, स्पीकर उसकी ख़राब क्वालिटी की रहती है, इसीलिए आपको अच्छी क्वालिटी की साउंड नहीं मिल सकती। तो आपका जो ख़राब ईयरफोन है इसमें से, तो पहले आप जो आपका ऊपर का जो भी आपका स्पीकर है जो अच्छी क्वालिटी से अच्छे ब्रांड का 300-400 mAh वीवो जो भी है उसको निकाल लें। आप इस प्रकार से आप इसको निकालें, कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। पहले आपको इसको ऐसे खोलना है नॉर्मल तरीके से, जैसे आप खोल सकते हैं वैसे आप इसको खोल लीजिए। ये आपकी अभी पुरानी ईयरफोन पे लगती है, मैं अभी नई ईयरफोन पे लगा चुका हूँ। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि मैंने आप नई ईयरफोन पे कैसे लगाया अपनी स्पीकर को। तो आप यहाँ से पहले इसकी आप सोल्डिंग को निकाल लीजिए। सोल्डिंग को आप काट के निकाल सकते हैं या फिर गर्म करके सोल्ड करके इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसको जो नए ईयरफोन के आपके रहेंगे, नए ईयरफोन में ये लगे रहते हैं, इसको ऊपर से आप काट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे से काटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे से काटा है, इसको काट लीजिए। इसको काट के साइड रख दीजिए। इसको साइड रखने के बाद जो अपन पुराने ईयरफोन से जो स्पीकर, इसको इसका तो अपन आप काम ख़त्म हो गया इसका, इसको आप साइड पर रख दें और आपका काम बस इतना रह गया। आपके पास जो नया ईयरफोन है, देखिए इस टाइप से आप ईयरफोन लगभग 50-60 रुपये में आप मार्केट से ले सकते हैं आसानी से। तो लेते आइए और नए में कन्वर्ट करिए अच्छे वाले ईयरफोन में। तो देख सकते हैं आपको इस ईयरफोन का जो ये ईयरफोन है, इसको सेट करते हैं और ये जो ईयरफोन है ये अपन के पास नया ईयरफोन जो मैंने ख़रीद के लाया था। यहाँ से आपने पहले इसको काटा, फिर उसको अभी समझ लीजिए ये कटा हुआ है। और अपन ये और ये स्पीकर और ये अपने पास तीन पार्ट हैं, ये अपन का कटा हुआ है। आप सिर्फ इसको लीजिए प्लास्टिक वाले को और एक कटे हुए को इस सिरे पे डालिए और यहाँ से निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद यहाँ से आपको इसको सोल्डिंग करना है। इसको आप घर पे कैसे सोल्डिंग कर सकते हैं मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आगे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आप इसमें से इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद इसको जैसे बताया मैंने वीडियो पे ऐसे उसको सोल्डिंग कर दे। सोल्डिंग करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इसी में लगा देना है। ऐसे लगाने के बाद आप एक काम ज़रूर करिएगा, जो कोई भी ईयरफोन रहता है बट आपका अगर ईयरफोन आप जो ख़रीद के लाते हैं ईयरफोन, आपका ईयरफोन अगर ये चार वाला है, 1 2 3 4, अगर ये आपका चार ईयरफोन है, इसका मतलब ये होता है कि एक तो आपका वो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका एक ग्राउंड ग्राउंड रहता है, जो ग्राउंड मतलब तीनों को एक वायर से कनेक्ट कर देता है, वो एक ग्राउंड रहता है, उसको ग्राउंड बोलते हैं। और एक लेफ्ट का रहता है, एक राइट का रहता है, एक माइक का रहता है। माइक का लास्ट वाला रहता है ग्राउंड, आई थिंक सबसे फर्स्ट वाला एक ग्राउंड रहता है और दो लेफ्ट राइट रहते हैं। अगर चार है तो आपको समझ लीजिए लेफ्ट राइट आपका साउंड बजेगा ही। तो आपके इस टाइप से रहा तो ये रहा तो आपको ये तो पता चल पाएगा नहीं राइट लेफ्ट कहते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिए एक वीडियो डाला है, 10 सेकंड की वीडियो है, उसको आप इसको कान पे लगा कर उसको चेक कर लीजिए आपका राइट का कौन सा है लेफ्ट का कौन सा है। जो राइट का है उसको राइट पे
और लेफ्ट का लेफ्ट पे आप समझ लीजिए, फिर उसको आप जैसे उसको कान पे वीवो का कान पे लगाता है तो राइट लेफ्ट का इसमें ऐसे ही पता चल जाता है। तो उसी के राइट राइट लेफ्ट से इसको आप चेक करके लगा लीजिए। इसमें इसको लगाने के बाद बस आपका ईयरफोन रेडी हो गया। ये देखिए ऐसे आप सोल्डिंग वोल्डिंग करके आराम से इसको लगा लीजिए, आपका ईयरफोन एकदम नया टाइप से हो गया। और आपका जिस जैसे मैंने नया लेके आया था, मैं पबजी खेल रहा था इसमें से, बिल्कुल इसमें से इतनी गंदी साउंड आ रही थी मैं एक बंदे को भी नहीं मार पा रहा था। बट जब मैं ये नया ईयरफोन लाया, इससे मैं आप दो दिन खेलूँगा, जैसे भी खेलूँगा, दो दिन पहले जैसे भी खेलता था उसी तरीके से सेम उसी तरीके से खेल पा रहा हूँ। क्योंकि ये स्पीकर जो है मेरा इस वीवो ईयरफोन के हैं, जो पहले जिससे पहले खेल रहा था सेम उसी की आवाज़ आ रही है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो आप 50 रुपये के ईयरफोन को ऐसे आप 300-400 के ईयरफोन को आराम से चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर पसंद आए हो, और मेरे ख्याल से नहीं सीरियसली, आपका जो ये ईयरफोन 50 रुपये वाला ईयरफोन है, इससे ये कई बेटर, कई गुने ज़्यादा बेटर अच्छा वर्क करता है। इसको आप ऐसे लेफ्ट राइट यूज़ अच्छी तरीके से कर सकते हैं आप लगा के इसको अपने। बट एक काम ज़रूर करिएगा, जो आपकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको देख के लेफ्ट राइट का पता पहले कर लीजिए, वरना आपके साथ अगर राइट की लेफ्ट पे आने लगी, लेफ्ट की राइट पे आने लगी, तो आपको इसको खोलने में, आपको इस ईयरफोन को खोलने में बड़ी ही दिक्कत होगी। इसीलिए पहले चेक कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।